तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 29/11/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर वॉल आर 75 मीटर एंड 32 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹3 पर स्क्वायर मीटर। एक आयताकार दीवार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 75 मीटर और 32 मीटर है। यदि पेंटिंग की लागत ₹3 प्रति वर्ग मीटर है तो दीवार को पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। आयताकार है तो पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे L×B से, ठीक है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई से। उसके बाद में जो आएगा हम उसको ₹3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सॉल्यूशन हिंदी में लिखो, दिया है इंग्लिश में गिवन। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ठीक है। लंबाई 75 है, चौड़ाई कितनी है 32 है। तो सबसे पहले निकाल लो एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब आयताकार है तो इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई फॉर्मूला होता है। L भी लिख लो, हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ध्यान रखना इसकी वैल्यू रखो, 75 × 32 कितना आएगा 2400 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है खर्च निकालने नहीं, पेंटिंग कराने का ₹3 वर्ग मीटर किधर से, तो हम क्या करेंगे 2400 को यानी पूरे क्षेत्रफल को जो निकाला हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ₹7200 यानी 7200 रुपीज़, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्लियर है। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।